तो भाई फाइनली अब जाके सामने बोर्ड लगा हुआ आया है, चकराता 59 किलोमीटर। भैया तुम्हारा माचो दिख रहा है, तुम्हारा माचो दिख रहा है माचो। और अब हम फाइनली पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, अब जो है कर भी करवाने वाले हैं बैंक। अगर रॉयल इनफील्ड ने ये क्रूज कंट्रोल दिया होता ना इसमें तो बहुत मजा आता हाईवे पे, क्योंकि वही है कि हाथ ऐसे रखो ना थ्रॉटल पे तो दर्द होने लगता है थोड़ी देर बाद। हाय हाय, सामने लगा हुआ छोटा हरिद्वार बोर्ड, गंगा घाट पर पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्या ही जबरदस्त लग रहा है, ये देखो देख रहे हो, बहुत फायदा है इसका। जैसे अब तुमने गुटका थूक दिया सब आ गया। क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। सुबह टुडे इज 21st of April 2024 और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और वही आज हम फाइनली निकल रहे हैं अपनी चक्राता राइड पे, वो भी अपनी जाने मन पे नहीं, एक दूसरी बाइक लेकर के हम आए हैं जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देख ही ली होगी, जो कि है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452। अभी का सीन यही है कि सुबह अपन 6 बजे उठ गए थे, उसके बाद पैकिंग वगैरह करी और ये देखो सारा सामान यहाँ बिछा पड़ा है, ग्लव्स अभी रख दिए हैं, ये छोटा बैग ले जा रहे हैं, पर्स एयरपोर्ट सारा आ गया और यहाँ पर अपना जो है ये GoPro चार्ज हो रहा है, इसको अच्छे से चार्ज होना जरूरी है भाई, ये चार्ज नहीं हुआ ना तो फिर व्लॉग्स कैसे आएंगे, है ना, फिर मोटो व्लॉग नहीं बनेगा तो फिर कैसे काम कैसे होगा फिर, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए GoPro चार्ज हो रहा है अच्छे से। और बाकी मैं भी रेडी हो गया हूँ, मैंने टी शर्ट पहन ली है, नीचे अपनी राइडिंग पैंट आ गई है और अपने एग्जॉर के बूट्स आ गए हैं, हेलमेट भी अपना फुल सेट है अच्छे से। कल मैं गया था यार तो मैंने सोचा कि इसका वाइजर मिल जाएगा, ना भैया ना MT के वाइजर कहीं मिला ही ना। तो ये देखो भाई बैग अपना हो गया फुल रेडी अच्छे से, वाइटेरा का 70 लीटर, इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं और सर्दी के भी मैंने ना एक दो जोड़ी कपड़े रख ही दिए हैं, क्योंकि ये है कि चक्राता मैंने अभी 11 डिग्री 15 डिग्री के आसपास हो रखा है तो ठंड तो बढ़िया वाली होने वाली है। और मेरे राइडिंग जैकेट जो है ये भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से रखी है, बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हुए हैं ना, यही होता है लॉन्डो का रूम। तो अभी बस अपनी जैकेट पहनेंगे लेकिन उससे पहले अपना बैग टाई अप करते हैं, उससे भी पहले आपको जो नई M20 लेके आए हैं वो दिखाते हैं भाई, मतलब क्या ही गजब लग रही है ना, मैं बाहर चल के दिखाता हूँ आपको। Back in my bag and I got a brag, I do this shit for real. We was down and we had nothing, we had to share. और ये देखो ये बाहर का मौसम, क्योंकि 8:15 हो गए हैं तो धूप भी निकल गई, अच्छी खासी गर्मी होने वाली है। तो ये खड़ी है अपनी जानेमन जिसको आप जानते ही हो, और ये खड़ी है कुछ दिन के लिए रहने वाली जानेमन, नई वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन, नई दुल्हन का घूंघट उतारते हैं फटाफट से। Yeah, we keep on stacking it, what's happening? Everything in Gucci got me feeling like I'm Dapper Dan. Life has been a movie, yeah, so shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going down like an avalanche. चलो भाई फाइनली अपन गियर अप हो चुके हैं, जैकेट आ गई है और पसीने इतने आ गए ना बैग लगाने में, बाइक की हालत खराब हो गई लेकिन बाइक जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अपना वाइट एरा का बैग इस पे अच्छे से आ गया, पिचक हो गया बीच में से, साइड से नीचे नीचे आ गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और इस पर एकदम कंफर्टेबली आ भी गया बैग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई बैग लगाने में और ये भी आगे की तरफ खिसकेगा भी नहीं क्योंकि इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कंफर्टेबल है। तो अब बस इसको लेकर निकलते हैं और इनको करते हैं बाय बाय, मिलेंगे चलो 2 दिन बाद, ठीक है, बाय, ठीक है। I'm with some places to your moment. Soon as I bust and I should be like baby where you going never s- चलो भाई फाइनली निकल गए अपनी चक्राता राइड के लिए भाई, ओए होए होए। अभी बाइक में जो है पेट्रोल अच्छा खासा है, कल रात को ही मैंने डलवा लिया था 500 का, तो इसीलिए अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो भाई अभी अपन आ चुके हैं बढ़िया हाईवे पे और मेरा टाइट हो गया बढ़िया तरीके से, और एक चीज़ बढ़िया हो गई कि भाई आज संडे है तो इतना ट्रैफिक होगा नहीं तो मज़ा आएगा राइड करने में, ओए होए होए क्या बात है, नेक्स्ट लेवल भाई।
भाई इसका पिकअप है क्या है भाई, 40 BHP है, तो एडवेंचर के हिसाब से तो 40 BHP बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो भाई ये आ गया बदरपुर बॉर्डर, तो यहाँ से अपन जो है अब दिल्ली में एंट्री कर जाएंगे, पर बाइक पे है तो टोल तो लगना नहीं है, अपना बढ़िया साइड से निकल जाएंगे, ये सारे बेचारे टोल कटवाते रह जाएंगे। दुख नहीं हो रहा मुझे इनके टोल कटवाने का, खुशी हो रही है कि मेरा टोल नहीं लग रहा। ओए होए होए यार, ये कसम से क्या स्मूथ चल रही है बाइक। और अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्यूल कंजम्पशन कितना कर रही है। ये आ गए इसके फीचर्स, हाँ ये फ्यूल रेंज 270 की है, फ्यूल कंजम्पशन 23.6 किलोमीटर पर लीटर, समझ रहे हो 26-22 इसके आसपास ही चल रहा है, कभी 24 हो रहा। चलो भाई यहाँ से अब हमको ले लेना है राइट, दे देते हैं इंडिकेटर और अब यहाँ से जो है अपन आ जाएंगे मेरठ वाले हाईवे पे, जो सीधा निकलता है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून उत्तराखंड पूरा, और सीधे अगर हम चले जाएंगे तो ITO होते हुए ये पूरा दिल्ली चलता रहेगा। बाय बाय दिल्ली, अपन जा रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है ध्यान रखना अपना। चलो भाई ये देखो भाई, ये अब एंट्री हो गई हाईवे पे, लिखा हुआ है राइट ले लोगे तो मुरादाबाद और मेरठ की तरफ चले जाओगे, और हम आ चुके हैं राइट लेके मेन हाईवे पे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से पारी खेली जा रही है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 के साथ। अब सीधा सीधा हमको चलना है मेरठ, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर, मुरादाबाद 159 किलोमीटर और अपना जो है चक्रात्ता 300 किलोमीटर। तो अभी हम जो है ये जो हाईवे पे चल रहे हैं ना, इस पे बाइक्स अलाउड नहीं है, और मैं गलती से इस पे चढ़ गया हूँ, और पिछली बार भी मैं इसी से चला गया था। अब वो किस्मत अच्छी थी कि हम रात को इस पे से निकले थे, तो उस टाइम अपना चलान होने से बच गया था, लेकिन भाई इस पे बहुत मोटा चलान है। और अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि इस पे से उतर के लेफ्ट वाले पे आ जाऊँ, आगे कोई भी कट मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट वाले पे मैं देख रहा हूँ यहाँ बाइकें चल रही हैं, इस पे बाइक्स अलाउड नहीं है भाई। तो इससे पहले कोई तगड़ा चलान हो उससे पहले भाई दूसरी लेन पे आ जाते हैं, इस वाले हाईवे पे आ जाते हैं। चलो भाई अब मैं इस वाले हाईवे से नीचे उतर रहा हूँ, ये मेरे से एक गलती हो गई, तो आप लोग ना करें तो बढ़िया है। अच्छा हुआ ये टोल आ गया, वरना तो भाई बहुत बुरा फंसता मैं, अगर कोई पुलिस वाले पकड़ लेता ना तो भयंकर चलान होता फिर। भाई लगा ही लेते हैं अब GPS, 287 किलोमीटर, 6.5 घंटे दिखा रहा है, मतलब शाम के 4 बजे तक पहुँचेंगे हम। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो भाई अभी नदी के साथ साथ अपन चल रहे थे, और जो है चलते चलते अपन यहाँ पर आ गए भाई, छोटा हरिद्वार गढ़गंगा बोलते हैं जिसको, भयंकर। 2 मिनट यहीं बाइक रोकते हैं, पता ही नहीं चला भाई मैं किस रास्ते से कहाँ आ गया, और ये मिरर भी ढीला हो रहा है बार बार। लेकिन ये देखो सामने लगा हुआ छोटा हरिद्वार बोर्ड, गंगा घाट पर पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, लोग नहा रहे हैं बढ़िया एकदम। तो भाई अभी सुबह के हो रहे हैं 9:10 9:45 और हम अभी मेरठ पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या ही रास्ता दिखा दिया था GPS ने, मैं तो कह रहा था बस भगवान भरोसे चल रहे हैं हम तो, और देखा तो छोटे हरिद्वार के सामने ले आया, तो ये भी बढ़िया हुआ कि अच्छी चीज़ हमको दिखा दी, दर्शन हो गए गंगा जी के बढ़िया से। और अभी यहाँ पर हमने अपनी जाने में लगाई हुई है दूसरी वाली, जो अभी कुछ दिन के लिए हो रखी है, ये अभी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। और अभी तो सैडलिंग करने वाली रोड आई नहीं है, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा, जब इस पर सैडलिंग करेंगे ना मतलब खड़े होकर जाएंगे, खड़े होकर चलाते टाइम और मज़ा आएगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गया हूँ, पानी वानी पीता हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसीलिए पानी पीते रहेंगे तो मज़ा आएगा, अपना बॉडी भी सही रहेगी, और ये तो सही है ही। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, आगे से यू टर्न लेकर के नहर नहर के साथ साथ सीधे रुड़की पहुंचेगा रास्ता। ये भाई सामने बोर्ड लगा हुआ है हरिद्वार 162 किलोमीटर, देहरादून 207 किलोमीटर, तो अब इसी रास्ते पे हमको चलना है, देहरादून तक तो पहुंचना ही है, देन वहां से कट निकलेगा चक्राता के लिए। मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाना पड़ेगा, अब इसको टाइट कर दो ऊपर वाले का। हो गया, चलो धन्यवाद। देख रहे हो भाई सामने डैम ओपन हुए हैं, तो पानी एकदम प्रेशर से छूट रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि ये नज़ारा बड़ा मस्त लगता है ना, क्या तगड़े फ्लो से पानी जा रहा है भयंकर। और छोटी हरिद्वार में जो नहा रहे हैं ना सब कपड़े उतार के, भाई ये देख लो ऐसे आता है पानी बहाव से, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखो अब देख रहे हो भाई साहब क्या तगड़े नज़ारे हैं।
ओए होए होए। और अभी हरिद्वार 142 किलोमीटर रह गया है। चलो भाई, वो नहर वाला जितना भी रास्ता था वो सारा ख़त्म हो चुका है और अब हम आ चुके हैं बढ़िया हाईवे पे। अब ठीक है, 4 लेन हाईवे आ गया। नहर के साथ चलते मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसमें रिस्क भी था क्योंकि सिंगल लेन था। चलो भाई, एक ढाबा आ गया, फूड स्टॉप, तो हम भी अपनी बाइक को कर देते हैं स्टॉप। लेकिन कोई बढ़िया ऐसी छायाओं वाली जगह नहीं है क्या? यहाँ लगाएंगे वैन कर। तो अभी भाई हमने 128 किलोमीटर अपने घर से कर लिया है और अभी मैं रास्ते में रुक गया हूँ। एक ही मेरे पीछे ढाबा पड़ा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लेते हैं। जो भाई मज़ा आ रहा है ना इसको चलाने में। बस एक चीज़ की मैं इसमें कमी महसूस कर रहा हूँ, जो कि है क्रूज़ कंट्रोल। अगर रॉयल इनफील्ड ने ये क्रूज़ कंट्रोल दिया होता ना इसमें तो बहुत मज़ा आता हाईवे पे, क्योंकि भाई ये कि हाथ ऐसे रखो ना थ्रॉटल पे तो दर्द होने लगता है थोड़ी देर बाद। पर ठीक है, अपने को तो आदत पड़ी हुई है, BMW में भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं है तो कोई नहीं, ये भी नहीं है। थैंक यू भाई। तो भाई आ गए अपनी शिकंजी, बढ़िया ठंडी ठंडी है, और ये आ गए अपने वेस्ट सैंडविच, हेल्दी फूड। अब इस जानवर को लेके निकलते हैं फटाफट से। ये बैंड पाइप देख रहे हो इसका, ये नीला ही रहता है भाई। ये मैंने वीडियोस में भी देखा था और अब तो सामने से देख रहा हूँ कि भयंकर, ये तो कलर ही ऐसा है इसका, ये ब्लू ही रहता है। चलो भाई, अब मैंने अपना पेट तो भर लिया है, अब बाइक का पेट भरना रह गया है। बस आगे पेट्रोल पंप कहीं दिखता है तो इसका और पेट भर देते हैं। लो भाई फुल कर दो है, कितना चलना है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल चाहिए भाई। चल पावर ही कर दे अभी के लिए, 100.85। छोटा है इसका छेद है। सही है, 12.5 लीटर के आसपास आ गया भाई। टंकी तो बहुत बड़ी है इसकी। बहुत फायदा है इसका, वीडियो बनती रहती है, फिर डालनी पड़ती है यूट्यूब पे। जैसे अब तुमने गुटखा थूक दिया सब आ गया। चलो ठीक है। चलो भाई टंकी हो गई इसकी फुल, हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट। भयंकर फ्यूल रेंज हो गई इसकी 381 किलोमीटर। अब आएगा ना मज़ा चलाने में बाइक को। चलो भाई, इसकी टंकी तो मेरी वाली से बहुत ज़्यादा है। भाई साहब का माचो दिख रहा है, बता दें क्या भाई साहब को? ये देखो भाई, भैया तुम्हारा माचो दिख रहा है, तुम्हारा माचो दिख रहा है, माचो ढक लो जरा, डर जाएंगे लोग। ओ भाई साहब, ये देखो लड़ाई हो गई, घूंसे बच गए घूंसे। भाई साहब लठी लठ, खतरनाक सीन हो गया था भाई साहब। यही तो मजा है राइड का, तरह तरह की चीजें देखने को मिलती रहती है राइड में। तो भाई यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो सहारनपुर आ जाएगा और हमको लेना है यहाँ से राइट, जो कि देहरादून हरिद्वार की तरफ जाएगा। मजेदार रोड था यार अभी तक का, तो मजा आ गया कदम से। मैंने तो साइडलिंग भी करी बीच बीच में। हट जाओ भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि वाइज़र जो है ना बहुत गंदा हो गया है, उस पर बहुत हत्याएं, बहुत मौत हो गई हैं कीड़ों की, तो ये हत्याएं साफ़ करनी पड़ेगी, सारे सबूत मिटाने पड़ेंगे। तो भाई एक ही रास्ता जा रहा है सीधे, पर हमको यहाँ से लेना है लेफ्ट, और हम मेरे ख्याल से हम रुड़की वाले रास्ते पे आ गए हैं।
और पहाड़ी भी आने वाली है। मैं तभी अभी तक रुक नहीं रहा था कहीं, पता है, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं हो रहा था, इतना गर्मी है कि भाई कहीं रुक जाऊं। पर अब आगे जो रास्ते आने वाले हैं ना भाई, कहीं भी रुकवा लो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो भाई सामने बच्चा जा रहा है टेम्पो में, खुश हो रहे हैं गोप्रो देख के, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ज्यादा। सैडलिंग कर ले थोड़ी यार, पिछवाड़े दर्द हो गए। अब देखो भाई क्या मजा आ रहा है बाइक चलाने का, सीधी रोड पे सैडलिंग का मजा ही अलग है। ओहो क्या बात है, साइड से निकलते हुए बंदे सोच रहे होंगे स्टंट कर रहा लड़का, लेकिन इन्हें क्या पता पिछवाड़े जब दर्द हो जाते हैं ना तो उसे स्टंट नहीं कहते भाई साहब। मतलब हमें सीधे ही चलते जाना है और हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ऐसी लग रहा मुझे तो भाई साहब, मजा आ गया। तो भाई अभी यहाँ से जो है चक्राता रह गया है 86 किलोमीटर, और 2.5 घंटे दिखा रहा है जीपीएस में, तो 3 घंटे तक पहुँचेंगे। पर अभी हमारे सामने देख चुके हैं पहाड़ एकदम भाई, क्या ही बढ़िया लग रहे हैं। और अभी तक प्लेन रास्तों पे आ रहे थे, अब देखे हैं पहाड़ भाई, मजा आ गया कसम से। तो भाई साइड में आ चुकी है अपने नदी, बढ़िया, लेकिन सूखी हुई है यार। और अब हम फाइनली पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, अब जो है कर भी करवाने वाले हैं बैंक का। अब आ रहा है मजा चलाने में, और अभी तक ब्रेक ही नहीं लिया मैंने। मतलब देख रहे हो एडवेंचर का कितना फायदा है, कि मेरे को ब्रेक लेने का भी ऐसा कुछ खास मन नहीं हो रहा, प्यार से चल रही है, उस पर तो थक जाता था अब तक मैं। ओ भाई साहब ठीक ठाक हाइट पे आ गए हैं, और सामने कुछ द्वार टाइप का आया है जिस पे लिखा हुआ है धन्यवाद। अबे अभी तो अंदर घुस रहे हैं, पुनः आगमन प्रार्थनीय है ना भाई ना, जब वापस जाऊं तब बिन पूछे तेरी तारीफ है सुनाया ये कर। तो भाई फाइनली अब जाके सामने बोर्ड लगा हुआ आया है यमुनोत्री 152 किलोमीटर, चक्राता 59 किलोमीटर। तो हमको सीधे अपने चक्राता की तरफ फोकस रखना है, जीपीएस में भी उतना ही है, 1 घंटे 39 मिनट का रास्ता रह गया है, देखते हैं कितनी देर में कवर करते हैं। और सब पानी इतना पी लिया ना मैंने कसम से, देख लो 39 डिग्री दिखा रहा है, मतलब कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, भयंकर पानी बहुत पिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो भाई साहब, ये कौन सो रहे हैं भाई साहब,